खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसरावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावत, गोगावा, भीकनगांव, झिलनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन जिले के झिरनिया क्षेत्र के ग्राम दामखेड़ा में स्वीकृत की गई गिट्टी खदान का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन सौंपकर आपत्ति दर्ज करवाई। ग्रामीण लक्ष्मण रमेश रामा आदि ने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 26 की चरनोई भूमि पर गिट्टी खदान स्वीकृत की गई है। इस तरह जगह पर न केवल पशुओं को चराया जा रहा है बल्कि शमशान भूमि भी है। इतना ही नहीं, खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। वाहनों की आवाजाही से फसलें खराब हो रही है। इसकी शिकायत तहसीलदार को भी की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए कलेक्टर के पास गुहार लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने मांग की है कि कृषि एवं जनहित को देखते हुए खदान निरस्त की जाए। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ग्राम दामखेड़ा से आए। हमको ये समस्या है कि ये जो गिट्टी खदान वाले हैं ना, हमारे बिना अनुमति से वहाँ पर गिट्टी खदान का सामान डाल दिया उन्होंने। वो सामान डाला, उसके बाद हमको पता चला भाई यहाँ क्या हो रहा। तो वो बोले कि ये हमने कलेक्टर से परमिशन ले रखी, तो इसलिए हमने ये सामान, तो हमने कहा प्रूफ उससे मंगा कि भाई कौन सा प्रूफ बताओ हमको, तो प्रूफ भी नहीं बता रहे। तो वहाँ हमारी बहुत 3 पीढ़ी की ज़मीन करते आ रहे हम, तो वहाँ ढोर वोर चराते हैं, वहाँ नाला भी है, शमशान भी है। तो हमने कहा भाई यहाँ हमको दिक्कत है, ढोर कहाँ चराएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे भाई, शमशान के लिए लोग भाग खड़े रहेंगे, वहाँ भी दिक्कत ही होगी हमको, इसलिए हमको उनको मना कर रहे। और हमारी हकाना ज़मीन है तो भाई आप यहाँ मत डालो। इसलिए हम तहसीलदार के पास गए, वहाँ गए, वहाँ भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। वो बोले कि ना ये कलेक्टर ने आदेश दे दिया, बोले ये हमारी समस्या, इसलिए इसका समाधान करो भाई। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे कि वो गिट्टी खदान वहाँ नहीं रहे, निरस्त हो जाए। क्या नाम आपका? लक्ष्मण वासुले। सर हम ग्राम दामखेड़ा से, ग्राम दामखेड़ा तहसील झिरनिया से। हमारे यहाँ सर एक हमारी जो चरवाहे की जो भूमि है दामखेड़ा, उसमें हमारे यहाँ के जानवर भी सारे चरते हैं। और हमारे यहाँ जो 7-8 गाँव है, गाँव के जो वहाँ के जो शमशान घाट में जो भी हमारे यहाँ के जो लोगों को दफनाया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ होती है 4-5 गांव के मिल के। तो वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ कुछ साठ गाठ करके या कुछ भी करके शासकीय ज़मीन पर एक गिट्टी मशीन चालू करना चाहते थे। उन्होंने अभी वहाँ उसका वो स्थान तैयार करके, उसमें उन्होंने उसका सेट तैयार करके उसको अभी वहाँ तैयार कर दिया है। कितने दिन में उसको अभी डालना? कुछ खेतों को भी नुकसान बता रहे हैं? खेतों को सर नुकसान है ना, हमारा जो राइट साइड में जितने खेत हैं वो खेतों में धूल मिट्टी का भी नुकसान हो सकता है। और फिर जहाँ ढोर हमारी जो चरने की ज़मीन है वो भी पूरी नष्ट हो जाएगी। और पानी जो नाला है वो साइड में, पीने का जो पानी वहाँ ढोरों के लिए और गाँव के ग्रामीण लोग भी उसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों में दिक्कत आएगी। और जो ज़्यादा करके तो हमारे यहाँ जो शमशान घाट है उसको ज़्यादा तकलीफ आ रही है। इससे पहले आपत्ति दर्ज कराई है? सर अभी हमने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, अभी गांव वाले मिल के ना, हम ये तहसीलदार को भी समझा दिया था। सामान अभी डाला तो अभी पता चला। हाँ, तो तहसीलदार को भी एक ज्ञापन दिया था, समझाया था, उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं इस पे तो ये चीज़ें होगी और शासकीय ज़मीन है। तो हम तो सर ये चाहते हैं अगर शासकीय ज़मीन कुछ हो और शासकीय का विभाग का कोई काम हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निजी आदमी वहाँ कर रहा तो ये हमारे लिए उचित। क्या नाम है? मेरा नाम सर योगराज चौहान। Subscribe now to most exciting channel ever.